हेलो जी, ये कहानी है एक शॉर्ट रोड ट्रिप के बारे में। तो दो हफ्ते पहले जब सरफराज भाई कोपेनहेगन मूव कर रहे थे तो मैं उनके साथ हेलसिंकी गया था उनको सी ऑफ करने के लिए। गाड़ी खचाखच भरी हुई है और सरफराज भाई को हेलसिंकी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। छोड़ने के लिए क्या जा रहे हैं, वैसे प्लान तो था कि सरफराज भाई के साथ सीधा डेनमार्क जाते कोपेनहेगन, लेकिन कोविड की नई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं डेनमार्क नहीं जा सका। तो हमने ट्रिप की शुरुआत तो कूल ड्रोन शॉट्स के साथ की थी, लेकिन फिर अचानक से एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि मेरी गाड़ी डीजल कार है और सरफराज भाई ने गलती से डीजल टैंकी में पेट्रोल डाल दिया E95। तो हम मैकेनिक के पास आए। अब मैकेनिक ने बताया कि उसके पास टाइम ही नहीं है। एंड देन वी शिफ्टेड आवर लगेज इनटू अनदर कार। अब सारा सामान अपनी गाड़ी से निकाल के इस गाड़ी में डाला है। अब इस गाड़ी में जाएंगे क्योंकि मैकेनिक ने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वीक ठीक करे। नेक्स्ट वीक कभी श्योर नहीं है। तो लेट्स सी, ओरिजिनली प्लान ये था कि हम यहाँ से 11 बजे निकलेंगे, लेकिन इस मसले के चक्कर में अब 2:30 बज गए हैं। तो हेलसिंकी अब हम पहुँचेंगे रात को 9 बजे के आसपास। सफर की तो आप पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डाल के। और फिर तकरीबन 1 घंटा इस ट्रक को फॉलो करने के बाद हम पहुंचे वर्क हाउस। तो तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद हमने थोड़ी ब्रेक ली है थोड़ा फ्रेश होने के लिए और साथ में ड्रोन उड़ाने के लिए। चलो सर। हम निकले में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। अभी हेलसिंकी कितना दूर है सरफराज भाई? हेलसिंकी अब भी 200 किलोमीटर है, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे और ना। और फिर तकरीबन 3 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद हम पहुंचे हेलसिंकी, जहां के सीन्स आप ड्रोन से देख लें। एंड दैट्स वेयर आवर रोड ट्रिप एंड्स।